हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सी द कंसेप्ट ऑफ बी प्लस ट्री। सो बी प्लस ट्री इज़ मोस्टली यूज इन डाटाबेस। जब हम डाटाबेस के अंदर डाटा को स्टोर करते हैं तो बी प्लस ट्री का कंसेप्ट यूज़ करते हैं, बिकॉज इट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर रेंज क्वेरीज। बी प्लस ट्री का यूज़ सबसे ज़्यादा डाटाबेस में क्यों होता है? क्योंकि बी प्लस ट्री सबसे अच्छा डाटा स्ट्रक्चर माना जाता है फॉर रेंज क्वेरीज। इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ बी प्लस ट्री एंड देन आई विल शो यू हाउ यू कैन ड्रॉ अ बी प्लस ट्री विद ए सिंपल एग्जाम्पल। सो बी प्लस ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे ऑल द डाटा इज स्टोर्ड इन लीफ नोड। इसका क्या मतलब है कि जितना भी डेटा होगा आपका वो एक सेम लेवल पे होगा, और वी कैन से दैट एवरी लीफ इज एट द सेम लेवल। एंड ऑल द लीव्स हैव सर्टेन पॉइंटर टू हैव ए लिंक विद ईच अदर, हैव पॉइंटर्स और लिंक्स विद ईच अदर। सो दिस इज अ बेसिक थ्योरी ऑफ बी प्लस ट्री, दैट द डाटा इज स्टोर्ड ऑन लीफ नोड ओनली and the root can have 2 to m number of children. This is one of the assumption that we take in the b plus tree. Now we will see a simple example how we can draw b plus tree. b plus tree जब भी आप draw करते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना होता है या फिर question में given होता है, that is the threshold level. The threshold level, or it is denoted by m, it is a maximum number of elements that can be placed in a single, at a single leaf node. So this is the maximum number of elements at a node. तो अगर m मेरा 2 है तो एक बार में मेरे पास 2 elements होंगे node पे। क्लियर? नाउ वी विल सी हाउ टू ड्रॉ अ बी प्लस ट्री। सपोज द एग्जाम्पल दैट आई एम टेकिंग इज आई हैव टू ड्रॉ बी प्लस ट्री फॉर 50, 75, 100, देन 120 एंड सो ऑन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट ड्रॉइंग अ बी प्लस ट्री फॉर दिस एग्जाम्पल। अब देखिए, इसमें आपको गिवन क्या है, एलिमेंट्स, and m is supposed to, I am drawing for threshold level 2. So सबसे पहले जो root node होगी आपकी, that root node will have 2 elements. 50 आया सबसे पहले तो आप 50 को यहाँ पर place कर सकते हैं, then 75 आया, 75 को भी आप यहाँ पर place कर सकते हैं, क्योंकि एट मोस्ट अ लीफ नोड कैन कंटेन्स एम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और एम यहाँ पर क्या है मेरे पास, 2। बट नाउ वेन 100 कम्स, जब 100 आएगा तो देखिए क्या होगा। अब इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी होल्ड करेगी कि नोड के राइट हैंड साइड वाला ग्रेटर होना चाहिए और लेफ्ट हैंड साइड वाला स्मॉल होना चाहिए, इसलिए हमने 75 को 50 के राइट में प्लेस किया था। अब जब 100 आएगा तो वो 75 के भी राइट में प्लेस होना चाहिए, बट सिंस एम इज 2 आई कैन नॉट हैव 100 हेयर। सो व्हाट आई हैव टू डू द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग। आई हैव टू स्प्लिट दिस 50 एंड 75। सो हाउ आई कैन डू दैट, आई कैन प्लेस 50 हेयर एंड 75 and 100 here, and the root node is now
75, क्योंकि 75 से स्मॉल वाले लेफ्ट में आ गए और 75 एंड उसके इक्वल और उससे बड़े वाले राइट हैंड साइड में आ गए। अब इसमें आपको ये देखना है कि जो स्प्लिटर है, जैसे 75 इस केस में एक स्प्लिटर है, तो वो स्प्लिटर की वैल्यू भी रूट नोड लीफ नोड पे आएगी, ऐसे 75 की वैल्यू भी यहाँ पे आएगी। सो दिस पर्टिकुलर टर्म इज कॉल्ड एज द स्प्लिटर एंड एवरी लीफ नोड इज पॉइंटेड टू अनदर लीफ नोड, दिस इज द पॉइंटर और द लिंक। Now suppose we have 100 is done, अब आया 120, तो 120 आप देखेंगे कि 100 से greater है, so suppose यहाँ पे कहीं पे 120 store होना चाहिए था, but it cannot be done, so further we will split it down. So in this way you will continue till you will enter all the elements and all the elements should be at the same level. So this is about B plus tree. Thank you for watching the video. Please subscribe to the YouTube channel for more tutorials on data structure and other computer science related subjects. Thank you.